नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिक ऑफ फ्रेडिस यूट्यूब चैनल। यहां आपको बताया जाता है डीडी फ्रेडिस में होने वाले प्रॉब्लम्स का अच्छे से अच्छा सलूशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके डीडी फ्रेडिस में बहुत कम चैनल आते, 30-35 और उससे ज़्यादा चैनल नहीं आता है, तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं कोई भी चैनल लगा रहा हूँ तो नो सिग्नल आ रहा है, उसमें कुछ चैनल वीक सिग्नल आ रहा और कुछ चैनल आ भी रहे हैं दोस्तों। तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि जब भी ऑटो स्कैन करते हैं तो इसमें ज़्यादा चैनल नहीं आ पाता है, 20-25-30 चैनल ही आता है, बाकी सब नो सिग्नल आता है। देखिए, जैसा कि ये कुछ चैनल चल रहा है दोस्तों, तो यही बताने वाला हूँ कि इसे कैसे ठीक किया जाता है। दोस्तों, ये देखिए, सिग्नल भी आपका बराबर है, एकदम ठीक सिग्नल है, उसके बावजूद भी चैनल कम आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले एडिट प्रोग्राम में जाएंगे। एडिट प्रोग्राम में जाने के बाद दोस्तों, डिलीट ऑल प्रोग्राम में जाकर इन सभी चैनल को डिलीट ऑल कर देंगे। और अब मैं फिर से यहाँ पर आपको ऑटो स्कैन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ऑटो स्कैन करने के लिए प्रोग्राम सेटअप में जाना होगा। प्रोग्राम सेटअप में जाने के बाद ऑटो स्कैन में जाना और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर ओके प्रेस कर देना। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे दोस्तों, तो ये ऑटो स्कैन होने लगेगा। तो क्या करते हैं दोस्तों, इसे ऑटो स्कैन हो रहा है, इसे स्कैन होने देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, लगभग स्कैन कम्प्लीट होने वाला है अब 90%, 98%। ये देखिए दोस्तों, ऑटो स्कैन कंप्लीट हो चुका है और ये कुछ चैनल हैं दोस्तों जो कि आपके सामने मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कुछ कुछ चैनल आ रहे हैं और इसमें भी कुछ रुक कर चल रहा है, कुछ चैनल नहीं भी आ रहा। तो दोस्तों, इसमें कुछ वीक सिग्नल, कुछ नो सिग्नल, बहुत सारा चैनल ऐसा है दोस्तों। तो इस ये प्रॉब्लम कहाँ से होता है, ये अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है दोस्तों, आपका जो अंदर सेटअप बॉक्स के अंदर एक SMPS पावर सप्लाई, उसे बोला जाता है दोस्तों, वो सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तब ऐसे होता है दोस्तों। जो कि अभी मैं आपको खोल कर दिखलाऊँगा कि वो कैसे होता है और आप इसे ठीक कैसे कर सकते हैं बगैर कोई पार्ट पुर्जा बदले हुए दोस्तों। उसे बदलना नहीं दोस्तों, उसमें कुछ जुगाड़ लगाना, कुछ कारीगरी करना और उसके बाद ये वीक सिग्नल, नो सिग्नल, ये सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे कुछ दिनों के लिए, यानी महीना दो महीना, जब तक चल सके तब तक के लिए ये आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, क्या करता हूँ कि मैं अपना सेटअप बॉक्स को खोल लेता हूँ एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से। ये देखिए, हमने इसे ओपन कर लिया और इसे ऑन भी कर दिया और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम कहां से हो रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे ओपन कर दिया और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, पावर सप्लाई जो बाएं साइड में, इधर इस साइड में जो आप देख रहे हैं, ये पावर सप्लाई, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण ये जो वायर है, जैक है, इसमें प्रॉब्लम हो जाने के कारण ऐसा होता है दोस्तों। तो क्या करना है, इसे पूरा एंड देना, एक राउंड कर देना है और उसके बाद इसे लगा देना है। पूरे अच्छे तरीके से घुमाने के बाद दोस्तों, उसे रैप कर देना है, जो भी आपके भाषा में बोलते हैं, मेरे भाषा में इसे ऐठना बोलते हैं, उसमें ऐठन लगा देना उस वायर में और उसे वापस लगा देना है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ समय के लिए ये आपका 1 घंटा में भी ख़राब हो सकता है, 1 महीना में भी, 1 साल चल सकता है। तो कुछ समय के लिए ये ठीक हो जाता है दोस्तों, उसे ऐंठने के बाद, उसे वायर को ऐंठ कर लगाने के बाद दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, और भी बहुत सारे चैनल, ये देखिए, ये सब चैनल आ गया जो कि आप देख सकते हैं, सिग्नल भी 60-65% 62% है दोस्तों। तो अब क्या करना है दोस्तों, ये देख लीजिए, स्टार उत्सव है, तो ये कई सारे चैनल, मतलब अब कोई भी चैनल इसमें रुकेगा नहीं दोस्तों, वीक सिग्नल नहीं होगा और उसे आप बदल देंगे तो वही काफ़ी रहेगा दोस्तों।
क्योंकि बदल देने के बाद उसे चेंज करने जो SMPS जो पावर सप्लाई है उसे बदल देने पर बहुत सारे प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं दोस्तों। ये जो देख रहे हैं पावर सप्लाई ये ख़राब है, फिर भी मैं इसे इस वायर को इसके जो सप्लाई का वायर है उसे एंड। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इसका पावर सप्लाई ख़राब होने के बाद ये कैसा काम करना करने लगता है,